इनका मैनचेस्टर में और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी £300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं, इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग उनको लंदन में होस्ट करते हैं और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत, ये अनिल मुसर्रत की डॉटर है, इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में जहां पे इमरान खान भी गए थे, उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे और साथ साथ में इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे वो थे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है, उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसर्रत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में, अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसर्रत की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और जब लंदन में एंटी-सीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसर्रत ने की थी और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं, जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है आर्मी के लोग वहां जाते हैं तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स अनिल मुसर्रत एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सन नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ है और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में, यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शन है बॉलीवुड के एक्टर से जैसे रणवीर सिंह के साथ, दीपिका पाडुकोन, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शाहरुख खान, करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अनिल मुसर्रत के बारे में कहा जाता है, स्पेशली विकीलीक्स ये कहता है कि ही इज ए पिंप और ये हाई लेवल के कॉन्टेक्ट डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पाडुकोन ने जेएनयू में विजिट किया, जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई, तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रत के कहने पर आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रत और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई। इस टाइप के रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रत से गए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो वो करेंगी? नहीं, क्योंकि सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कपूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेज किया उनके एक्शन को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम तो दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रत के साथ और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक, और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पे की? ये अनिल मुसर्रत के कहने पे, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रत से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे क्योंकि ये बिके होंगे। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया
रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रत और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है, या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसआई के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है। और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन लंदन की, और साथ में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, बाहर से जिहादीज आ गए थे, काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे, तो यही क्वेश्चन होता रहा कैसे आ गए, किसने इनको वीजा दिया, किस तरीके से के लोग हैं, कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं, किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं। और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो पाकिस्तानी इंडियन है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत। ये पाकिस्तानी है, बेस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है, और ये फाउंडर हैं एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के। प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर मैनचेस्टर में, और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस्ड भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी पाउंड्स 300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं। इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग, उनको लंदन में होस्ट करते हैं, और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत, ये अनिल मुसर्रत की डॉटर हैं, इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में, जहां पे इमरान खान भी गए थे, उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे, और साथ साथ में इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे, वो थे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है, और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है। उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे, और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसर्रत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में, अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसर्रत की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, और जब लंदन में डीसीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसर्रत ने की थी। और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं, जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है, वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है, आर्मी के लोग वहां जाते हैं, तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं, उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स, अनिल मुसर्रत एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सन नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में, यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शन हैं बॉलीवुड के एक्टर से, ज-
जैसे रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शाहरुख खान, करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप हैं। अनिल मुसर्रफ के बारे में कहा जाता है, स्पेशली विकीलीक्स से कहता है कि ही इज ए पिंप, और ये हाई लेवल के कॉन्टैक्ट्स डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पादुकोण ने जेएनयू में विजिट किया, जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई, तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रत के कहने पे ही आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रत और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई। इस टाइप के रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रत से कहे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो वो करेंगी? नहीं, क्योंकि ये सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कपूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेस किया उनके एक्शंस को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम तो दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रत के साथ और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक, और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था, सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पे की? ये अनिल मुसर्रत के कहने पे, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रत से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे क्योंकि ये बिके होंगे। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रत और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है, या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसआई के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है। और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन लंदन की, और साथ में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, बाहर से जिहादीज आ गए थे, काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे, तो यही क्वेश्चन होता रहा कैसे आ गए, किसने इनको वीजा दिया, किस तरीके से के लोग हैं, कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं, किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं, और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो पाकिस्तानी या इंडियन है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत की। ये पाकिस्तानी है, बेस्ड इन मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है, और ये फाउंडर हैं एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के। प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर में, और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी पाउंड्स 300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं। इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग, उनको लंदन में होस्ट करते हैं, और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत, ये अनिल मुसर्रत की डॉटर हैं, इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में, जहां पे इमरान खान भी गए थे, उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे, और साथ साथ में
इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे, वो थे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है। उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसाटत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में, अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसाटत की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और जब लंदन में BCA और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसाटत ने की थी। और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं, जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है, वो भी अनिल मुसरत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसरत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है, आर्मी के लोग वहां जाते हैं तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसरत ही करता है। अनिल मुसरत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं, उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसरत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स, अनिल मुसरत MCR प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजैक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सन नॉट नेशनल इन UK। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में, यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसरत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शन हैं बॉलीवुड के एक्टर से, जैसे रणवीर सिंह के साथ, दीपिका पाडुकोन, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शाहरुख खान, करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अनिल मुसरत के बारे में कहा जाता है, स्पेशली विकीलीक्स कहता है कि ही इज ए पिम्प और ये हाई लेवल के कंटेक्स्ट डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पाडुकोन ने JNU में विजिट किया। जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई, तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसरत के कहने पर आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसरत और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई। इस टाइप के रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसरत से गए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो वो करेंगी? नहीं, क्योंकि ये सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कपूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेस किया उनके एक्शन को जो उन्होंने JNU में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम पे दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसरत के साथ और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक। और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब NTCA प्रोटेस्ट चल रहा था सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी NTCA के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पे की? ये अनिल मुसरत के कहने पे, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसरत से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे क्योंकि ये बिके हुए। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसरत और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है या मुझे पता है कि अनिल मुसरत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान ISI के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे MEA के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है।
और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी इंडियन हाई कमीशन लंदन की और साथ में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे बाहर से जिहादीज आ गए थे काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे तो यही क्वेश्चन होता रहा कैसे आ गए किसने इनको वीजा दिया किस तरीके से के लोग हैं कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो पाकिस्तानी इंडियन है उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत। ये पाकिस्तानी है बेस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है बिजनेसमैन है और ये फाउंडर हैं एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के। प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर में और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस्ड भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी £300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं। इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग उनको लंदन में होस्ट करते हैं और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत ये अनिल मुसर्रत की डॉटर हैं। इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में जहां पे इमरान खान भी गए थे उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे और साथ साथ में इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे वो थे ऋतिक रोशन रणवीर सिंह अनिल कपूर सोनम कपूर करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है। उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसर्रत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसर्रत की बहुत सी एक्टिविटीज हैं ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और जब लंदन में एनटीसीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसर्रत ने की थी और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है आर्मी के लोग वहां जाते हैं तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं जनरल के जो बच्चे हैं उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स अनिल मुसर्रत एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सनल नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शन हैं बॉलीवुड के एक्टर से जैसे रणवीर सिंह के साथ दीपिका पाडुकोन अनिल कपूर सोनम कपूर शाहरुख खान करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अनिल मुसर्रत के बारे में कहा जाता है स्पेशली विकीलीक्स से कहता है कि ही इज ए पिंप और ये हाई लेवल के कॉन्टेक्ट डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पाडुकोन ने जेएनयू में विजिट किया जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रत के कहने पर आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रत और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई। इस टाइप के रिलेशन है
मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुशर्रफ से गए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो, वो करेंगे? नहीं, क्योंकि ये सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कपूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेज किया उनके एक्शन को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम तो दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रत के साथ, और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक। और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था, सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पर की? ये अनिल मुसर्रत के कहने पर, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रत से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे क्योंकि ये बिके होंगे। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रत और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है, या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसए के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है। और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन लंदन की, और साथ में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, बाहर से जिहादीज आ गए थे, काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे, तो यही क्वेश्चन होता रहा, ये कैसे आ गए, किसने इनको वीजा दिया, किस तरीके से के लोग हैं, कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं, किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं। और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो पाकिस्तानी या इंडियन है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत। ये पाकिस्तानी है, बेस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है और ये फाउंडर हैं एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के। प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर में और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी पाउंड्स 300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं, इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग, उनको लंदन में होस्ट करते हैं और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत, ये अनिल मुसर्रत की डॉटर हैं, इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में, जहां पे इमरान खान भी गए थे, उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे और साथ साथ में इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे, वो थे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है, उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसर्रत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में, अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी।
अनिल मुसर्रफ की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, और जब लंदन में डीसीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसर्रफ ने की थी। और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं, जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है, वो भी अनिल मुसर्रफ बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रफ के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है, आर्मी के लोग वहां जाते हैं, तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रफ ही करता है। अनिल मुसर्रफ साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं, उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रफ से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स, अनिल मुसर्रफ एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सन नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में, यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रफ जिनके बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं बॉलीवुड के एक्टर से, जैसे रणवीर सिंह के साथ, दीपिका पाडुकोन, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शाहरुख खान, करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अनिल मुसर्रफ के बारे में कहा जाता है, स्पेशली विकीलीक्स ये कहता है कि ही इज ए पिंप और ये हाई लेवल के कंटेक्ट डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पाडुकोन ने जेएनयू में विजिट किया, जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई, तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रफ के कहने पर आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रफ और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई। इस टाइप के रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रफ से कहे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो वो करेंगी? नहीं, क्योंकि ये सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कपूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेस किया उनके एक्शन को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम तो दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रफ के साथ और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक, और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पे की? ये अनिल मुसर्रफ के कहने पे, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रफ से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे क्योंकि ये बिके हुए। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रफ और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रफ के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसआई के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है। और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन लंदन की, और साथ में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे
बाहर से जिहादीज आ गए थे, काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे, तो यही क्वेश्चन होता रहा कैसे आ गए, किसने इनको वीजा दिया, किस तरीके से के लोग हैं, कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं, किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं, और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो पाकिस्तानी इंडियन है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत की। ये पाकिस्तानी है, बेस्ड इन मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है, और ये फाउंडर हैं एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के। प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर में, और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी पाउंड्स 300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं। इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग, उनको लंदन में होस्ट करते हैं, और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत, ये अनिल मुसर्रत की डॉटर है, इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में, जहां पे इमरान खान भी गए थे, उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे, और साथ साथ में इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे, वो थे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शंस अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है, और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है। उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे, और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसर्रत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में, अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसर्रत की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, और जब लंदन में एंटी सीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसर्रत ने की थी। और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं, जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है, वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है, आर्मी के लोग वहां जाते हैं, तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं, उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स, अनिल मुसर्रत एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सन नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में, यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शन हैं बॉलीवुड के एक्टर से, जैसे रणवीर सिंह के साथ, दीपिका पाडुकोन, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शाहरुख खान, करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अनिल मुसर्रत के बारे में कहा जाता है, स्पेशली विकीलीक्स कहता है कि ही इज ए पिंप, और ये हाई लेवल के कॉन्टेक्ट डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पाडुकोन ने जेएनयू में विजिट किया, जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई, और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई, तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रत के कहने पर आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रत, और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से, और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई। इस टाइप के रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रत से गए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो, वो करेंगी? नहीं, क्योंकि सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कपूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेस किया उनके एक्शन को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था, और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी, क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम तो दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रत के साथ, और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक,
और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था, सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पे की? ये अनिल मुसर्रत के कहने पे, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रत से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे, क्योंकि ये बिके हुए। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रत और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है, या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसए के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है। और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन लंदन की, और साथ में डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, बाहर से जिहादीज आ गए थे, काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे, तो यही क्वेश्चन होता रहा कैसे आ गए, किसने इनको वीजा दिया, किस तरीके से के लोग हैं, कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं, किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं, और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो पाकिस्तानी इंडियन है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत। ये पाकिस्तानी है, बेस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है, और ये फाउंडर है एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के। प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर मैनचेस्टर में, और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी पाउंड्स 300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं। इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग, उनको लंदन में होस्ट करते हैं, और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत, ये अनिल मुसर्रत की डॉटर हैं, इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में, जहां पे इमरान खान भी गए थे, उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे, और साथ साथ में इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे, वो थे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है, और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है। उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे, और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसर्रत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में, अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसर्रत की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, और जब लंदन में एनटीसीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसर्रत ने की थी। और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं, जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है, वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है, आर्मी के लोग वहां जाते हैं, तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं
जनरल के जो बच्चे हैं उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स अनिल मुसर्रत एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सनल नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ है और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शन हैं बॉलीवुड के एक्टर से जैसे रणवीर सिंह के साथ दीपिका पाडुकोन अनिल कपूर सोनम कपूर शाहरुख खान करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप हैं। अनिल मुसर्रत के बारे में कहा जाता है स्पेशली विकीलीक्स कहता है कि ही इज ए पिंप और ये हाई लेवल के कंटेक्ट डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस के बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पाडुकोन ने जेएनयू में विजिट किया जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रत के कहने पर आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रत और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई। इस टाइप के रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रत से गए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो वो करेंगी? नहीं, क्योंकि सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कपूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेस किया उनके एक्शन को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम तो दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रत के साथ और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ बाकी लोगों ने भी किया तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पर की? ये अनिल मुसर्रत के कहने पर, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रत से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे क्योंकि ये बिके होंगे। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रत और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसए के लिंक हैं तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है। और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी इंडियन हाई कमीशन लंदन की और साथ में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे बाहर से जिहादीज आ गए थे, काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे तो यही क्वेश्चन होता रहा कैसे आ गए, किसने इनको वीजा दिया, किस तरीके से के लोग हैं कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं, किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो पाकिस्तानी या इंडियन है उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत की। ये पाकिस्तानी है, बेस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है और ये फाउंडर हैं एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के।
प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर में, और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी £300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं, इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग उनको लंदन में होस्ट करते हैं और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत, ये अनिल मुसर्रत की डॉटर है, इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में जहां पे इमरान खान भी गए थे, उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे और साथ साथ में इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे वो थे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है, उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसर्रत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में, अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसर्रत की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और जब लंदन में एंटी-सीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसर्रत ने की थी। और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं, जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है आर्मी के लोग वहां जाते हैं तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स अनिल मुसर्रत एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सन नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ है और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में, यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शन हैं बॉलीवुड के एक्टर्स से जैसे रणवीर सिंह के साथ, दीपिका पाडुकोन, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शाहरुख खान, करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अनिल मुसर्रत के बारे में कहा जाता है, स्पेशली विकीलीक्स ये कहता है कि ही इज ए पिंप और ये हाई लेवल के कॉन्टेक्ट डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस के बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पाडुकोन ने जेएनयू में विजिट किया, जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई, तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रत के कहने पर आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रत और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई, इस टाइप के रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रत से गए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो वो करेंगी? नहीं, क्योंकि ये सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कपूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेस किया उनके एक्शन को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम तो दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रत के साथ और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक, और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पे की? ये अनिल मुसर्रत के कहने पे, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रत से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे क्योंकि ये बिके हुए। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया
रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रत और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है, या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसए के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज हैं, पार्ट ऑफ ड्यूटीज हैं। और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन लंदन की, और साथ में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, बाहर से जिहादीज आ गए थे, काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे, तो यही क्वेश्चन होता है कैसे आ गए, किसने इनको वीजा दिया, किस तरीके से के लोग हैं, कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं, किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं। और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो पाकिस्तानी इंडियन है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत। ये पाकिस्तानी है, बेस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है, और ये फाउंडर हैं एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के। प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर मैनचेस्टर में, और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी £300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं। इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग, उनको लंदन में होस्ट करते हैं, और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत, ये अनिल मुसर्रत की डॉटर हैं, इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में, जहां पे इमरान खान भी गए थे, उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे, और साथ साथ में इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे, वो थे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है, और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है। उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे, और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसर्रत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में, अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसर्रत की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, और जब लंदन में डीसीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसर्रत ने की थी। और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं, जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है, वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है, आर्मी के लोग वहां जाते हैं, तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं, उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स, अनिल मुसर्रत एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सन नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में, यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शन हैं बॉलीवुड के एक्टर से,
जैसे रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शाहरुख खान, करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप हैं। अनिल मुसर्रफ के बारे में कहा जाता है, स्पेशली विकीलीक्स कहता है कि ही इज ए पिंप, और ये हाई लेवल के कॉन्टैक्ट्स डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पादुकोण ने जेएनयू में विजिट किया, जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई, तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रत के कहने पे ही आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रत और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई, इस टाइप के रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रत से गए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो वो करेंगी? नहीं, क्योंकि ये सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कफूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेस किया उनके एक्शंस को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम तो दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रत के साथ और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक, और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था, सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पर की? ये अनिल मुसर्रत के कहने पर, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रत से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे क्योंकि ये बिके होंगे। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रत और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसए के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है। और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन लंदन की, और साथ में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, बाहर से जिहादीज आ गए थे, काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे, तो यही क्वेश्चन होता रहा कैसे आ गए, किसने इनको वीजा दिया, किस तरीके से के लोग हैं, कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं, किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं, और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरेन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो पाकिस्तानी या इंडियन है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत की। ये पाकिस्तानी है, बेस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है और ये फाउंडर है एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के। प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर मैनचेस्टर में, और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी पाउंड्स 300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं, इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग, उनको लंदन में होस्ट करते हैं और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत, ये अनिल मुसर्रत की डॉटर हैं, इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में, जहां पे इमरान खान भी गए थे, उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे और साथ साथ में
इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे, वो थे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है। उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसाटक ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में, अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसाटक की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और जब लंदन में डीसीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसाटक ने की थी। और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं, जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है, वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है, आर्मी के लोग वहां जाते हैं तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं, उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुलाकर के कई बार उनसे पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स, अनिल मुसर्रत एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सनल नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में, यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शन हैं बॉलीवुड के एक्टर से, जैसे रणवीर सिंह के साथ, दीपिका पाडुकोन, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शाहरुख खान, करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अनिल मुसर्रत के बारे में कहा जाता है, स्पेशली विकीलीक्स कहता है कि ही इज ए पिंप और ये हाई लेवल के कंटेक्स्ट डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पादुकोण ने जेएनयू में विजिट किया। जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई, तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रत के कहने पर आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रत और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई। इस टाइप के रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रत से गए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो वो करेंगे? नहीं, क्योंकि ये सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कपूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेस किया उनके एक्शन को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रत के साथ और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक। और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पर की? ये अनिल मुसर्रत के कहने पर, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रत से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे क्योंकि ये बिके हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रत और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसए के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है।
और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी इंडियन हाई कमीशन लंदन की और साथ में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे बाहर से जिहादीज आ गए थे काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे तो यही क्वेश्चन होता रहा कैसे आ गए किसने इनको वीजा दिया किस तरीके से के लोग हैं कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो पाकिस्तानी इंडियन है उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत। ये पाकिस्तानी है बेस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है बिजनेसमैन है और ये फाउंडर हैं एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के। प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर मैनचेस्टर में और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी £300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं। इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग उनको लंदन में होस्ट करते हैं और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत ये अनिल मुसर्रत की डॉटर हैं। इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में जहां पे इमरान खान भी गए थे उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे और साथ साथ में इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे वो थे ऋतिक रोशन रणवीर सिंह अनिल कपूर सोनम कपूर करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है। उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसर्रत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसर्रत की बहुत सी एक्टिविटीज हैं ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और जब लंदन में एंटीसीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसर्रत ने की थी और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है आर्मी के लोग वहां जाते हैं तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं जनरल के जो बच्चे हैं उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स अनिल मुसर्रत एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सनल नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ है और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शन है बॉलीवुड के एक्टर से जैसे रणवीर सिंह के साथ दीपिका पाडुकोन अनिल कपूर सोनम कपूर शाहरुख खान करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अनिल मुसर्रत के बारे में कहा जाता है स्पेशली विकीलीक्स से कहता है कि ही इज ए पिंप और ये हाई लेवल के कॉन्टेक्ट डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस के बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पाडुकोन ने जेएनयू में विजिट किया जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रत के कहने पर आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रत और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई। इस टाइप के रिलेशन है
मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रत से गए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो, वो करेंगी? नहीं, क्योंकि ये सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कपूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेज किया उनके एक्शन को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम तो दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रत के साथ, और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक। और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था, सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पे की? ये अनिल मुसर्रत के कहने पे, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रत से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे, क्योंकि ये बिके होंगे। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रत और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है, या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसए के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है। और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन लंदन की, और साथ में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, बाहर से जिहादीज आ गए थे, काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे, तो यही क्वेश्चन होता है कैसे आ गए, किसने इनको वीजा दिया, किस तरीके से के लोग हैं, कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं, किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं। और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो पाकिस्तानी इंडियन है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत। ये पाकिस्तानी है, बेस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है, और ये फाउंडर हैं एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के। प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर मैनचेस्टर में, और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी पाउंड्स 300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं, इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग, उनको लंदन में होस्ट करते हैं, और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत, ये अनिल मुसर्रत की डॉटर हैं, इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में, जहां पे इमरान खान भी गए थे, उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे, और साथ साथ में इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे, वो थे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है। उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे, और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसर्रत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में, अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी।
अनिल मुसर्रत की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, और जब लंदन में डीसीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसर्रत ने की थी। और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं, जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है, वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है, आर्मी के लोग वहां जाते हैं, तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं, उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स, अनिल मुसर्रत एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सन नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में, यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं बॉलीवुड के एक्टर से, जैसे रणवीर सिंह के साथ, दीपिका पाडुकोन, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शाहरुख खान, करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अनिल मुसर्रत के बारे में कहा जाता है, स्पेशली विकीलीक्स कहता है कि ही इज ए पिंप और ये हाई लेवल के कंटेक्ट डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पाडुकोन ने जेएनयू में विजिट किया, जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई, तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रत के कहने पर आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रत और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई। इस टाइप के रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रत से कहे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो वो करेंगी? नहीं, क्योंकि ये सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कपूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेस किया उनके एक्शन को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम तो दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रत के साथ और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक, और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पे की? ये अनिल मुसर्रत के कहने पे, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रत से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे क्योंकि ये बिके होंगे। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रत और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसआई के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है। और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन लंदन की, और साथ में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, बाहर से जिहादीज आ गए थे,
काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे, तो यही क्वेश्चन होता रहा कैसे आ गए, किसने इनको वीजा दिया, किस तरीके से के लोग हैं, कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं, किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं, और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो पाकिस्तानी इंडियन है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत, ये पाकिस्तानी है, बेस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है, और ये फाउंडर हैं एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के। प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर में, और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी पाउंड्स 300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं, इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है, और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग, उनको लंदन में होस्ट करते हैं, और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत, ये अनिल मुसर्रत की डॉटर है, इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में, जहां पे इमरान खान भी गए थे, उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे, और साथ साथ में इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे, वो थे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है, और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है, उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे, और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसर्रत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में, अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसर्रत की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, और जब लंदन में डीसीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसर्रत ने की थी। और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं, जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है, वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है, आर्मी के लोग वहां जाते हैं, तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं, उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स, अनिल मुसर्रत एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सन नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ है, और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में, यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शन हैं बॉलीवुड के एक्टर से, जैसे रणवीर सिंह के साथ, दीपिका पाडुकोन, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शाहरुख खान, करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अनिल मुसर्रत के बारे में कहा जाता है, स्पेशली विकीलीक्स कहता है कि ही इज ए पिंप, और ये हाई लेवल के कॉन्टेक्ट डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पाडुकोन ने जेएनयू में विजिट किया, जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई, और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई, तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रत के कहने पर ही आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रत, और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से, और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई। इस टाइप के रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रत से गए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो, वो करेंगी? नहीं, क्योंकि ये सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कपूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेज किया उनके एक्शन को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था, और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी, क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम पे दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रत के साथ, और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक,
और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था, सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पे की? ये अनिल मुसर्रत के कहने पे, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रत से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे, क्योंकि ये बिके हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रत और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है, या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसए के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है। और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन लंदन की, और साथ में डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, बाहर से जिहादीज आ गए थे, काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे, तो यही क्वेश्चन होता रहा कैसे आ गए, किसने इनको वीजा दिया, किस तरीके से के लोग हैं, कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं, किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं, और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो पाकिस्तानी या इंडियन है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत। ये पाकिस्तानी है, बेस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है, और ये फाउंडर है एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के। प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर में, और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस्ड भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी £300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं। इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग, उनको लंदन में होस्ट करते हैं, और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत, ये अनिल मुसर्रत की डॉटर हैं, इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में, जहां पे इमरान खान भी गए थे, उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे, और साथ साथ में इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे, वो थे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है, और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है। उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे, और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसर्रत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में, अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसर्रत की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, और जब लंदन में एनटीसीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसर्रत ने की थी। और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं, जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है, वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है, आर्मी के लोग वहां जाते हैं, तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं
जनरल के जो बच्चे हैं उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रफ से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकिलीक्स अनिल मुसर्रफ एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सन नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ है और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में, यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रफ जिनके बड़े अच्छे कनेक्शन है बॉलीवुड के एक्टर से, जैसे रणवीर सिंह के साथ, दीपिका पाडुकोन, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शाहरुख खान, करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अनिल मुसर्रफ के बारे में कहा जाता है, स्पेशली विकीलीक्स से कहता है कि ही इज ए पिंप और ये हाई लेवल के कॉन्टैक्ट्स डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस के बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पाडुकोन ने जेएनयू में विजिट किया, जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई, तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रफ के कहने पर आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रफ और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई। इस टाइप के रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रफ से गए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो वो करेंगी? नहीं, क्योंकि सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कपूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेज किया उनके एक्शंस को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रफ के साथ और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक, और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पर की? ये अनिल मुसर्रफ के कहने पर, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रफ से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे क्योंकि ये बिके होंगे। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रफ और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रफ के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसए के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है। और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन लंदन की, और साथ में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, बाहर से जिहादीज आ गए थे, काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे, तो यही क्वेश्चन होता रहा कैसे आ गए, किसने इनको वीजा दिया, किस तरीके से के लोग हैं, कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं, किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं, और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो पाकिस्तानी या इंडियन है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रफ। ये पाकिस्तानी है, बेस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रफ एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है और ये फाउंडर हैं एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के।
प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर में, और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी पाउंड्स 300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं, इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग उनको लंदन में होस्ट करते हैं और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत, ये अनिल मुसर्रत की डॉटर है, इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में जहां पे इमरान खान भी गए थे, उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे और साथ साथ में इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे वो थे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है, उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसर्रत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में, अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसर्रत की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और जब लंदन में डीसीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसर्रत ने की थी। और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं, जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है, वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है, आर्मी के लोग वहां जाते हैं तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं, उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स, अनिल मुसर्रत एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सनल नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ है और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में, यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शन हैं बॉलीवुड के एक्टर से, जैसे रणवीर सिंह के साथ, दीपिका पाडुकोन, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शाहरुख खान, करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अनिल मुसर्रत के बारे में कहा जाता है, स्पेशली विकीलीक्स ये कहता है कि ही इज ए पिंप और ये हाई लेवल के कॉन्टेक्ट डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पाडुकोन ने जेएनयू में विजिट किया, जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई, तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रत के कहने पर आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रत और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई। इस टाइप के रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रत से गए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो वो करेंगी? नहीं, क्योंकि ये सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ गफूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेस किया उनके एक्शन को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम तो दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रत के साथ और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक, और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पे की? ये अनिल मुसर्रत के कहने पे, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रत से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे क्योंकि ये बिके हुए हैं।
लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रत और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है, या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसआई के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है। और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन लंदन की, और साथ में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, बाहर से जिहादीज आ गए थे, काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे, तो यही क्वेश्चन होता रहा कैसे आ गए, किसने इनको वीजा दिया, किस तरीके से के लोग हैं, कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं, किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं, और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो पाकिस्तानी इंडियन है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत। ये पाकिस्तानी है, बेस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है, और ये फाउंडर हैं एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के। प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर में, और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी पाउंड्स 300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं। इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग, उनको लंदन में होस्ट करते हैं, और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत, ये अनिल मुसर्रत की डॉटर हैं, इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में, जहां पे इमरान खान भी गए थे, उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे, और साथ साथ में इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे, वो थे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शंस अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है, और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है। उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे, और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसर्रत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में, अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसर्रत की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, और जब लंदन में एमडीसीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसर्रत ने की थी। और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं, जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है, वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है, आर्मी के लोग वहां जाते हैं, तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं, उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स, अनिल मुसर्रत एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सन नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में, यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं,
बॉलीवुड के एक्टर्स से, जैसे रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शाहरुख खान, करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ उनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप हैं। अनिल मुसर्रफ के बारे में कहा जाता है, स्पेशली विकीलीक्स कहता है कि ही इज ए पिम्प, और ये हाई लेवल के कॉन्टैक्ट्स डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस के बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पादुकोण ने जेएनयू में विजिट किया, जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई, तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रत के कहने पे ही आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रत और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई, इस टाइप के रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रत से गए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो वो करेंगी? नहीं, क्योंकि ये सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कपूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेस किया उनके एक्शन को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम तो दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रत के साथ, और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक, और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था, सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पर की? ये अनिल मुसर्रत के कहने पर, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रत से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे क्योंकि ये बिके हुए। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रत और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है, या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसए के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है। और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन हाई कमीशन लंदन की, और साथ में डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, बाहर से जिहादीज आ गए थे, काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे, तो यही क्वेश्चन होता रहा कैसे आ गए, किसने इनको वीजा दिया, किस तरीके से के लोग हैं, कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं, किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं, और जब यहां पर पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरेन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो पाकिस्तानी या इंडियन है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत की। ये पाकिस्तानी है, बेस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, बिजनेसमैन है, और ये फाउंडर है एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के। प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर में, और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस्ड भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी £300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं। इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग, उनको लंदन में होस्ट करते हैं, और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत, ये अनिल मुसर्रत की डॉटर हैं, इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में, जहां पे इमरान खान भी गए थे, उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे, और साथ साथ में इनकी
जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे, वो थे ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है। उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसाटक ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में, अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसाटक की बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और जब लंदन में सीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसाटक ने की थी। और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं, जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है, वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है, आर्मी के लोग वहां जाते हैं तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं, उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुलाकर के कई बार उनसे पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स, अनिल मुसर्रत एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सनल नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ है और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में, यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शन हैं बॉलीवुड के एक्टर से, जैसे रणवीर सिंह के साथ, दीपिका पाडुकोन, अनिल कपूर, सोनम कपूर, शाहरुख खान, करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अनिल मुसर्रत के बारे में कहा जाता है, स्पेशली विकीलीक्स कहता है कि ही इज ए पिंप और ये हाई लेवल के कंटेक्स्ट डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पाडुकोन ने जेएनयू में विजिट किया, जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई, तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रत के कहने पर आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रत और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई। इस टाइप के रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रत से गए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो वो करेंगी? नहीं, क्योंकि सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कपूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेस किया उनके एक्शन को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम तो दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रत के साथ और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक, और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पे की? ये अनिल मुसर्रत के कहने पे, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है कि ये सोनम कपूर भी अनिल मुसर्रत से कह सकती है कि आप भी स्टेटमेंट दो, जो कश्मीर में पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है वो नहीं देंगे क्योंकि ये बिके होंगे। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अनिल कपूर ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने ऐसा कोई एंटी इंडिया रिलेशनशिप नहीं रखा। मई 2018 में अनिल मुसर्रत और उनकी फैमिली इंडिया में आए सोनम कपूर की शादी अटेंड करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी एजेंसीज को पता है या मुझे पता है कि अनिल मुसर्रत के एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं या उनके पाकिस्तान आईएसए के लिंक हैं, तो उनको इंडिया आने के वीजा किसने दिया? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन या हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है मैनचेस्टर में? क्यों दिया? क्योंकि ये दिया इसलिए दिया कि जो हमारे एम्बेसी में लोग बैठे हैं या हमारे चाहे एमईए के लोग हैं चाहे रॉ के लोग हैं, इनकी अप्रोच बड़ी कैजुअल है। ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, लेकिन ये इनकी ड्यूटीज है, पार्ट ऑफ ड्यूटीज है,
और मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि उस टाइम पे अगर यहां पे आए तो एक डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारे इंडियन एम्बेसी इंडियन हाई कमीशन लंदन की और साथ में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी हमारा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मैनचेस्टर में। और इस टाइप का जो केयरलेसनेस हमारी एम्बेसीज करती हैं या हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं या हमारी एजेंसीज करती हैं उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे बाहर से जिहादीज आ गए थे काफी जिहादी इंडिया में घूमते रहे तो यही क्वेश्चन होता रहा कैसे आ गए किसने इनको वीजा दिया किस तरीके से के लोग हैं कि किस तरीके से हमारी एम्बेसीज काम करती हैं किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं और जब यहां पे पहुंच गए तो ब्लेम करते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस का रोल सबसे बाद में आता है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को कि एक पूरा डायरेक्टिव दें कि जो लोग भी फॉरन में एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो पाकिस्तानी या इंडियन है उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल मुसर्रत। ये पाकिस्तानी है बेस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम। अनिल मुसर्रत एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है बिजनेसमैन है और ये फाउंडर है एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप के। प्रॉपर्टी का काम है इनका मैनचेस्टर में और इनकी उम्र 51 साल की है और बेस्ड भी मैनचेस्टर में है। इनकी जो टोटल वर्थ थी नवंबर 2018 में वो थी पाउंड्स 300 मिलियन। अनिल मुसर्रत इमरान खान के खास दोस्त हैं। इन्होंने इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल को भी फंड किया हुआ है और इन्होंने इमरान खान की पीटीआई पार्टी को भी बड़ी सपोर्ट दी हुई है। अनिल मुसर्रत जो है वो पाकिस्तानी जो वहां पे आते हैं आर्मी के या बाकी इम्पोर्टेंट लोग उनको लंदन में होस्ट करते हैं और ये इनका भी क्लोज लिंक है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए के साथ। सितंबर 2017 को अनुषा मुसर्रत ये अनिल मुसर्रत की डॉटर हैं। इनकी मैरिज हुई थी लंदन और मैनचेस्टर में जहां पे इमरान खान भी गए थे उनकी पार्टी के बहुत लोग भी गए थे और साथ साथ में इनकी जो शादी हुई थी उसके अंदर काफी बॉलीवुड के स्टार भी गए थे। बॉलीवुड में से जो मेन लोग थे वो गए थे वो थे ऋतिक रोशन रणवीर सिंह अनिल कपूर सोनम कपूर करण जौहर और सुनील शेट्टी। इन्होंने इनके सारे फंक्शन अटेंड किए। करण जौहर के इनसे खास इंटीमेट रिलेशनशिप है और साथ साथ इनके अनिल कपूर से भी बड़े अच्छे रिलेशन है। उनसे इनकी वाइफ के थ्रू 25 साल से रिलेशनशिप है वहां पे और एक फैमिली टाइप के रिलेशन है। और अनिल मुसर्रत ने जब सोनम कपूर की शादी हुई थी मई 2018 में अनिल कपूर की जो डॉटर है वो भी इन्होंने मैरिज अटेंड की थी। अनिल मुसर्रत की बहुत सी एक्टिविटीज हैं ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और जब लंदन में एंटीसीए और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने इन सारी फाइनेंसिंग अनिल मुसर्रत ने की थी। और साथ साथ में जितनी भी एंटी इंडिया या जैसे हिंदू गॉड्स के ऊपर जो फिल्में बनती हैं जो जहां पे हिंदू गॉड्स को डिफेम किया जाता है वो भी अनिल मुसर्रत बड़े आराम से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल मुसर्रत के पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। जब भी वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह होती है आर्मी के लोग वहां जाते हैं तो उसका जो खर्चा है या उनकी टिकट वगैरह का अरेंजमेंट वो अनिल मुसर्रत ही करता है। अनिल मुसर्रत साथ में पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे हैं जनरल के जो बच्चे हैं उनके सेटलमेंट के या बाकी चीजों का अरेंजमेंट वही करता है। अनिल मुसर्रत से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको बुला करके कई बार उनसे पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू विकीलीक्स अनिल मुसर्रत एमसीआर प्रॉपर्टी ग्रुप का लिंक हवाला ट्रांजेक्शन से है। उन्होंने कहा ही इज ए स्मॉल पोटैटो हिमसेल्फ बट लाइकली ए फ्रंट फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरेस्ट पर्सनल नॉट नेशनल इन यूके। मतलब उसके जो लिंक है पाकिस्तान आर्मी के साथ है और उनके ज्यादातर वो पर्सनल कामों को अटेंड करते हैं जो लंदन में यानी कि उनके बच्चों को सेटल वगैरह करने का ये काम है। अनिल मुसर्रत जिनके बड़े अच्छे कनेक्शन हैं बॉलीवुड के एक्टर से जैसे रणवीर सिंह के साथ दीपिका पाडुकोन अनिल कपूर सोनम कपूर शाहरुख खान करण जौहर और काफी और एक्टर्स हैं जिनके साथ इनके बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अनिल मुसर्रत के बारे में कहा जाता है स्पेशली विकीलीक्स से कहता है कि ही इज ए पिंप और ये हाई लेवल के कॉन्टेक्ट डेवलप कराते हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस की बाकी लोगों के साथ लंदन में। जनवरी 2020 में दीपिका पाडुकोन ने जेएनयू में विजिट किया जब यहां टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी सपोर्ट में वो यहां पे आई और अपनी फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में भी आई तो वो उस टाइम जब आई थी तो अनिल मुसर्रत के कहने पर आई थी। दुबई में थे उस टाइम अनिल मुसर्रत और उस टाइम उन्होंने दीपिका को फोन किया दुबई से और दीपिका भागती भागती दिल्ली में आई। इस टाइप के रिलेशन है
मुझे एक बात बताइए कि अगर दीपिका मुसर्रत से गए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करो, वो करेंगी? नहीं, क्योंकि ये सोल्ड आउट एक्ट लोग हैं, सोल्ड आउट बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन जनरल आसिफ कफूर है, उन्होंने भी दीपिका को उस टाइम ट्वीट में प्रेस किया उनके एक्शन को जो उन्होंने जेएनयू में सपोर्ट किया। उस टाइम दीपिका के खिलाफ बड़ा एंगर था और वहां पे उनके फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही थी क्योंकि वो छपाक फिल्म की प्रमोशन भी कर रही थी। मैंने भी उस टाइम तो दो वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया था दीपिका का लिंक जो अनिल मुसर्रत के साथ, और दूसरा वीडियो था कि टू बायकॉट छपाक। और इन चीजों का बड़ा रिएक्शन भी हुआ, बाकी लोगों ने भी किया, तो मैंने भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। इससे दीपिका के जो कुछ एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट थी वो भी काफी कैंसिल हो गई और दीपिका को इसमें करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मतलब मैं तो कहूंगा काफी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था, सोनम कपूर ने भी उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी एनटीसीए के फेवर में। ये फेवर किसके कहने पे की? ये अनिल मुसर्रत के कहने पे, क्योंकि इनके उनसे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है। अगर सही बात है